क्विक सिल्वर एग्जॉस्ट सिस्टम लैंड रोवर डिफेंडर P400 आया। खुशी मेरे को लौंडे के चेहरे पे, चाहे तेरी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो जाए चाहे किसी से भी हो जाए, अगर तूने फेंक के मारा ना तो देख लियो फिर। इन अलॉय ने भाई भाई की गाड़ी खराब कर दी। क्या स्टीयरिंग रैक, भाई स्टीयरिंग रैक क्या गाड़ी का। आज तो बहुत ही स्पेशल डे है, हमारा शैतान भी हमारे साथ है। क्या कर रही है, ऐसे अटक क्यों गया बीच में पता नहीं, पर भाई डिलीवरीज ही डिलीवरीज हो रही हैं। मतलब एक कार गाय के लिए सबसे स्पेशल दिन यही होता है व्हेन इट्स कार पार्ट्स अराइव, एंड मेरे लिए एग्जैक्ट सेम मोमेंट। और स्माइल इस वक्त मतलब कान से कान तक की स्माइल है, क्योंकि अपनी डिफेंडर का एग्जॉस्ट आ चुका है, बैठ गया भाई हमारा शैतान। तो भाई डिफेंडर का एग्जॉस्ट आ चुका है, एंड जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है इट इज क्विक सिल्वर, मतलब द बेस्ट इन द गेम फॉर लैंड रोवर। इससे ऊपर एग्जॉस्ट नहीं है, इट इज अ ब्रिटिश मेड एग्जॉस्ट बिकॉज इट इज अ ब्रिटिश कार ऑब्वियसली, एंड उसके अलावा ये हैंडमेड एग्जॉस्ट है भाई एंड इट इज मेड इन इंग्लैंड। और उसके अलावा अगर मैं आपको इधर दिखाऊं तो ओवर हियर यू कैन सी भाई क्विक सिल्वर एग्जॉस्ट सिस्टम लैंड रोवर डिफेंडर P400, यानी कि ये P400 के लिए है। स्पोर्ट्स सिस्टम साउंड आर्किटेक्ट, तो इसमें भाई साउंड आर्किटेक्ट टेक्नोलॉजी है। सो बेसिकली आप इसको वाल्व कंट्रोल सिस्टम बोल सकते हो, तो एक बटन पे गाड़ी शांत हो जाएगी एंड एक बटन पे दिस कार विल साउंड लाइक अ मेनियक। एंड उसके अलावा स्टॉक एग्जॉस्ट के ऊपर बहुत सारी वेट सेविंग्स भी है। अगर आपको स्टॉक एग्जॉस्ट एक बार दिखा दूं तो ये रहा, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा वेट सेविंग्स भी है, तो वेट भी बचेगा, साउंड भी अच्छा होगा, परफॉर्मेंस भी बेटर होगी। तो यस इट इज अ विन विन सिचुएशन, बट जल्दी से इसको ऊपर लेके चलते हैं क्योंकि बहुत सारा और भी ज्यादा सामान आया हुआ है। तो भाई उत्सव ने कुछ मंगाया और जब तक वो आ रहा है तब तक मैं एक गेम खेल लेता हूँ, और ये गेम मैं बहुत ही टाइम से खेल रहा हूँ और आप लोगों को मैंने इसके बारे में अपने पास वीडियोस में भी बताया। द गेम इज लकी जेट एंड लेट मी टेल यू, ये मेरा फेवरेट गेम है। और इस गेम में आपका मेन टास्क है कि आपको पायलट के टेक ऑफ करने से पहले अमाउंट कलेक्ट करना है। तो चलो मैं आप लोगों को गेम खेल कर दिखाता हूँ। सो गाइस सबसे पहले आपको onewin.pro की वेबसाइट पर जाना है, एंड गाइस फिर आपको ये लॉगिन दबाकर यहाँ पर अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। गाइस लॉगिन करने के बाद फिर आपको लकी जेट पर क्लिक करना है। एज यू कैन सी मेरे वॉलेट में अच्छा खासा बैलेंस है, एंड गाइस मैं अब यहाँ पर 2000 का अमाउंट प्लेस कर रहा हूँ। एंड गाइस अब मेरे को लग रहा है कि ये जल्दी ही टेक ऑफ कर जाएगा, तो मैं फटाफट से विड्रॉल पर क्लिक कर देता हूँ। एंड एज यू कैन सी मेरी विनिंग्स 3940 की है। अब चलो मैं आप लोगों को एक और बार खेल के दिखाता हूँ। अब मेरे को लग रहा है जल्दी ही टेक ऑफ कर जाएगा, तो मैं फटाफट से विड्रॉ कर देता हूँ। एंड एज यू कैन सी 3120 मेरी विनिंग्स है। एंड एज यू गाइस कैन सी कि एक मिनट में ही मैंने कितनी अच्छी विनिंग्स कर ली हैं, और जो भी मेरा विनिंग अमाउंट है वो सारा मेरे वॉलेट में ऐड हो चुका है। और गाइस आपको अपना अमाउंट विड्रॉ करने के लिए एक बार होम पेज पर जाना है, उसके बाद अपने अकाउंट पर क्लिक करना है एंड फिर विड्रॉल पर क्लिक करना है, और आपको जो मेथड बेस्ट लगता है उससे अपने जीते हुए अमाउंट को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड गाइस लेट मी टेल यू, दे हैव अ वेरी फास्ट विड्रॉल प्रोसेस विदाउट एनी कमीशंस एंड विद अ वेरी सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। गाइस मैंने वन लिंक का लिंक नीचे प्रिंट कमेंट में दिया हुआ है, अगर आप इस लिंक से डाउनलोड करते हैं या मेरा प्रोमो कोड सिनविन यूज करते हैं तो न्यू कस्टमर्स को 25,000 तक का बोनस मिलेगा ऑन देयर फर्स्ट डिपॉजिट। गाइस मैं पिन कमेंट में एक और लिंक दे दूंगा जो कि एक टेलीग्राम चैनल का है, जहां पर आपको बहुत ही बढ़िया-बढ़िया विनिंग स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी और ये स्ट्रेटजीज बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। और हां मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि आपको अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए पेटीएम यूज करना चाहिए, वो सबसे बेस्ट मेथड है। तो गाइस जल्दी से वन मिनट पर जाओ एंड स्टार्ट मेकिंग अ प्रॉफिट। तो अब जल्दी से चलते हैं भाई, देखते हैं नेक्स्ट पार्सल क्या है। ये देखो जनक की एक्साइटमेंट इस वक्त, इसको नहीं समझ आ रहा क्या है। आया ये खुशी देखो लौंडे के चेहरे पे। तो भाई टीम टकियार को बताए थे, भाई को भी बताए देते हैं, लौंडे की अपनी कमाई से पहला आईफोन है, इसलिए एक्साइटमेंट देख रहे हो लौंडे के चेहरे पे। सब अपनी सारी पक्की करे, पहले खोल के देखूंगा। अच्छा एक बात बता दूं भाई, दोनों लौंडे ने मिलके ये कार्यक्रम कर दिया, मुझे समझ भी नहीं आया कब किया ये। ले भाई जनक कुमार न्यू आईफोन इन द हाउस, अब उसको तो दे। ऐसा क्यों खोल ना खोल, वो दे देंगे यार, अभी रुक जा, एक्साइटमेंट मत खत्म कर लौंडे की। ये आईफोन है भाई, कलर एक नंबर लिया है ब्लैक, क्या बात है भाई, मुबारक हो। ये ऑन तो कर, पता ही नहीं यार साइड में बटन है दबा। भाई आ गया ये आईफोन वाला लौंडा, केरा हल्का कितना है, शर्मा की रही तरफ तो देख मेरे की तरफ, आंखें चुरा रहा बार बार। है टीम तक यार, भाई कॉन्ग्रेचुलेशन लिख दो जनक के नए आईफोन के लिए। यार वाकई बड़ा हल्का है यार, कौन सा है ये 13, भाई बहुत हल्का है। ले भाई गॉड ब्लेस यू, और भाई ओटीपी तेरे फोन पे आएगा, उससे तो रिकॉर्ड हो रहा है। रुक जा बता रहे, 2 सेकंड में वापस आ रहे हो भाई टीम तक यार, 2 सेकंड।
को सिखा भी तो सही साथ में कि कैसे करना। अरे सीख साथ में, वाईफाई जोड़ भाई, डाल पासवर्ड, सबको नहीं बताना वाईफाई का पासवर्ड, कहीं लाइन लगी हो यहाँ घर के बाहर, सारे वाईफाई यूज कर रहे हैं। जनक जी थोड़ा कैमरे की तरफ देखिए, शर्माइए मत, कैसा महसूस हो रहा आपको? है भाई, ये जनक ना हमारा थोड़ा क्रेजी लवर बॉय है, तो ये गुस्से में इसने फोन फेंक के तोड़ दिया था, तो मैंने भी जान के, देखो दिलाने को मैं भी दिला सकता हूँ, जान के नहीं दिलाया इसको कि इसको सीख मिले कि भाई गुस्से में चीज की वैल्यू करनी है। बट अगले ने भाई मेहनत करी और अपने पैसे से लिए, सबसे प्राउड मोमेंट है भाई ये। चलो भाई जनक गले लग, बहुत बहुत मुबारक हो मेरे छोटे भाई, फेस आईडी लगा भाई, अब चेहरों से खुलेंगे फोन। बेटा अब फोन ना उठाया ना तो देख लियो। अब मेरे हाथ में एक में कैमरा, एक नोट निकाल इसमें, सबसे ऊपर वाला निकाल, ये ले कवर, और बढ़िया सा स्क्रीन गार्ड लगवा के, आप पीछे भी स्क्रीन गार्ड लगवाइयो, आगे भी हो जाएगा इतने में। चल लगवा क्या भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। अब तूने अगर जनक ये फोन गुस्से में फेंक के मारा, चाहे तेरी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो जाए, चाहे किसी से भी हो जाए, अगर तूने फेंक के मारा ना तो देख लियो फिर। फिर दो दूसरा दे रखा था वो भी ले लूंगा मैं, फिर नहीं दूंगा। अगर तूने फोन तोड़ा, मैं नहीं दूंगा फोन इस बार चलाने के लिए। ये कह रहे 15 है तो दूसरा वाला तो दिखा दी उसकी क्या हालत करी थी, गया खत्म। चल कोई ना, ध्यान रख, जा अभी आराम से। आओ भाई उत्सव जी, एक अनबॉक्सिंग अभी हमें भी करनी है, रह गई है ये रही भाई टीम तक यार। वन मोर अनबॉक्सिंग, इट इज द गेको कॉइल ओवर सेटअप फॉर आर E90। तो जल्दी से इसको खोलते हैं भाई, उसके अलावा और भी हमारा सामान है वो अभी आ रहा है, एक शिपमेंट हम भी वेट कर रहे हैं, आएगी हमारी अभी। और वैसे उत्सव भाई हैट्स ऑफ, एकदम से स्विफ्टली डिसीजन लेके बहुत बढ़िया काम किया एंड पैसे बचवा दिए हमारे छोटे भाई के। तो भाई चलो हमारे कॉइल ओवर सेटअप को अनबॉक्स करते हैं, इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द गेम, यू कैन सी ओवर हियर गेको। इसमें हमारा कॉइल ओवर सेटअप है हमारी E90 के लिए, उसके अलावा उसकी कैम्बर प्लेट्स हैं। चल भाई जल्दी कर दे जल्दी, एक मिनट यार, हम तो यूट्यूबर्स हैं, हम तो कर सकते हैं ऐसे ही मैजिक ऑफ एडिटिंग। ये लो अनबॉक्स्ड, ये लो भाई, ये सब क्या है भाई, क्या क्या डाला हुआ बीच में? अच्छा थोड़ा सा कुशन करने के लिए डाला हुआ है। तो ये रहा भाई पेपर वर्क, और उसके अलावा भाई लेट्स हैव अ लुक एट द कॉइल ओवर्स। ओहो क्रेजी, खोल ऐसे कलर से ज्यादा हमें इसकी परफॉर्मेंस मैटर करती है, बिकॉज ड्रिफ्टिंग में भाई कॉइल ओवर्स आर अ मस्ट हैव। सीरियसली जितना इंपॉर्टेंट मैनुअल गियरबॉक्स है उतना ही इंपॉर्टेंट कॉइल ओवर्स है, क्योंकि अगर आप अभी लास्ट वीडियोस देखो हमारे थोड़े बहुत, तो हमारी E90 इट रॉक्स लाइक अ बोट, जब भी ड्रिफ्ट करे होते हैं इट एक्ट्स लाइक अ बोट, क्योंकि सस्पेंशन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है एंड गेको के इन कॉइल ओवर्स में बहुत ही ज्यादा एडजस्टमेंट है। तो आई एम हाईली इंप्रेस विद द बिल्ड क्वालिटी ऑल्सो यार, एंड यहाँ पर डस्ट गार्ड भी दिया हुआ है विच इज समथिंग रियली नाइस। और इसके अलावा भाई और देखते हैं क्या क्या है भाई, ये भी फ्रंट का ही कॉइल ओवर है, ये रियर स्प्रिंग है, ओ माय गॉड रियर स्प्रिंग की क्वालिटी बहुत सही लग रही है यार। ये देखो भाई हमारा E90 का स्प्रिंग, ला दिखा भाई, ओहो नाइस, द बिल्ड क्वालिटी इज एक्चुअली अमेजिंग गाइस, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, गेको हैट्स ऑफ, मतलब जितना मैंने उम्मीद करा था उससे बहुत बेटर बिल्ड क्वालिटी है। मैं अपनी एक्साइटमेंट के लिए सब कुछ खोल खोल के देखना चाह रहा हूँ एंड अपनी टीम तक यार भी साथ में ऑब्वियसली देख ही रही है हमारे। फाड़ दे भाई अभी कुछ मत सोच, इसको फाड़ दे बस, नहीं 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 निकलेगा, चुप गया भाई। प्यारे से सुंदर से हरे रंग को ना स्क्रैच करने की नहीं रखी है, देख ले, बस हो गया हो गया। चलो जी दिस इज द रियर शॉकर, अब खींच दे इसको। चलो गाइज अभी हमसे नहीं खुल रहा है एक्साइटमेंट में, और साथ में वीडियो भी बनानी है ऊपर से, क्रेजी यार बिल्ड क्वालिटी बहुत अमेजिंग है, सीरियसली हाईली इंप्रेस्ड। और इन कॉइल ओवर्स की क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं एंड कितने लेवल के एडजस्टमेंट है इसमें, इसके बारे में बात करूंगा जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो अभी के लिए एक छोटी सी अनबॉक्सिंग है, तो दीज आर आर E90 कॉइल ओवर्स। इसके अलावा जो बाकी सामान है हमारा जो कि कस्टम्स में फंसा रहा है, सीरियसली लिटरली बता रहा हूँ गाइज, मतलब इस बार तो दो शिपमेंट्स ने लिटरली रुला दिया, मतलब कस्टम्स वालों ने और मतलब DHL और UPS ने बिल्कुल रुला दिया। बट कोई नहीं, ये कहानी बाद के लिए, एक बहुत बढ़िया चीज आपको दिखाता हूँ। ये देखो हमने अपने कॉइल ओवर्स के साथ लिए हैं एडजस्टेबल कैम्बर प्लेट्स, यानी कि हम अपनी गाड़ियां कैम्बर भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने और भी पार्ट्स ऑर्डर करे हुए हैं, वो अभी इन ट्रांजिट है। ये राइड हाइट एडजस्ट करने के लिए टूल है, ये भी साथ ही आता है। सो बेसिकली ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी गुड सस्पेंशन सेटअप एंड ये भाई सारी गाड़ियों के लिए अवेलेबल है एंड आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द गेम एट दिस प्राइस पॉइंट। सो मेक श्योर यू गाइस चेक आउट गेको रेसिंग इंडिया, सीरियसली भाई द बिल्ड क्वालिटी इज अमेजिंग। बाकी हम इसको कल इंस्टॉल करेंगे, फिर यूज करेंगे, फिर अपना और फीडबैक देंगे। इंस्टॉलेशन वीडियो भी इसका बहुत जल्दी आ रहा है, सो मेक श्योर यू गाइस स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब्ड, आल्सो लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। और इसके अलावा अब खोलते हैं बाकी सारा सामान। तो ये रही भाई हमारी बाकी दोनों शिपमेंट्स, और आप देख सकते हो दिस फ्रॉम ड्रिफ्ट HQ, इसमें हमारे सारे E90 के ड्रिफ्ट पार्ट्स हैं एंड दे आर अमेजिंग। अभी ये दिखाने से पहले नीचे बता देता हूँ क्या है भाई, ये अपनी डिफेंडर का क्विक सिल्वर एग्जॉस्ट आ चुका है, बट अभी हम इसको अनबॉक्स नहीं करेंगे इस वीडियो में, उसके लिए आपको भाई सब्सक्राइब करके रखना होगा, सारे वीडियो देखने पड़ेंगे। इंस्टॉलेशन वीडियो में जब हम डिफेंडर में लगाएंगे इसको तब इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, बट अभी के लिए अपने E90 के ड्रिफ्ट कार के पार्ट्स अनबॉक्स करते हैं एंड दिखाते हैं कि और क्या क्या गुडीज
मॉडिफिकेशंस आई हैं अपनी E90 के लिए। आई एम सुपर एक्साइटेड टू ओपन दीज पार्ट्स। बहुत क्रेजी क्रेजी मॉडिफिकेशंस एंड सबसे बेस्ट बात है भाई, ये बहुत ही जल्द अपनी गाड़ी में लगने वाली है, तो इसमें ज्यादा वेटिंग नहीं होगी। सबसे पहले तो भाई मैं बाहर निकालता हूं, जनक थोड़ी मदद करा यार। भाई हमारा मोमो स्टेयरिंग व्हील, दिस इज द ड्रिफ्ट सीरीज भाई, क्रेजी स्टेयरिंग व्हील है, 300 mm का ये। देखो अभी मैं सब कुछ रिवील नहीं करूंगा, ये सिर्फ एक अनबॉक्सिंग है, जब इसको गाड़ी में लगाएंगे तब हम इसको रिवील करेंगे अच्छे से। सो दिस इज 300 mm, 330 mm होते हैं यूजली मोमो की व्हील्स, बट ये ड्रिफ्ट वाली सीरीज है, दिस इज स्लाइटली स्मॉलर, सो इट विल हेल्प अस इन ड्रिफ्टिंग ऑल्सो। उसके अलावा भाई ये है NRG का क्विक रिलीज, अब जब स्टेयरिंग लगाना है तो उसके साथ क्विक रिलीज तो बहुत जरूरी है, रोल केज वगैरह लग जाएगी, जब हम चाहेंगे हम स्टेयरिंग निकाल के गाड़ी के अपने साथ लेके जा सकते हैं। आप लोग पूछोगे क्यों, बिकॉज रेस कार या फिर बिकॉज ड्रिफ्ट कार, इसको भी यहाँ रखते हैं। ये भाई मिशिमोटो का सिलिकॉन होज है, और ये एक्चुअली क्या होता है, हमारी E90 में जो एयर फिल्टर बॉक्स है उससे जो होज आता है उसमें एक छोटा सा रेजोनेटर होता है, ताकि जो इनटेक की सक्शन की आवाज है वो ज्यादा ना आए, बट ये उसको बाईपास कर देता है तो और बढ़िया इनटेक साउंड आता है और थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस मिल जाती है, एक आधा BHP का गेन मिल जाता है। सो दिस इज समथिंग रियली गुड फॉर योर कार। उसके अलावा हमारा NRG का हब एंड E90 के लिए, एंड इसी को यूज करके हम अपनी गाड़ी में ये वाला मोमो वाला हमारा स्टीयरिंग व्हील लगा सकते हैं विद द क्विक रिलीज। ये हब लगेगा गाड़ी में, उसके बाद क्विक रिलीज लगेगा, उसके बाद ये स्टीयरिंग उस पर लगेगा, एंड क्विक रिलीज और स्टीयरिंग एक यूनिट की तरह बाहर आ जाएगा। एंड ये भी NRG की तरफ से, इट इज अ स्मॉल हुक, या आप अपनी रोल केज पे लगा लो, दिस इज टू यू नो हैंग योर स्टीयरिंग ऑन, तो ये स्टीयरिंग हैंगर कह सकते हो आप, यू कैन फिक्स दिस इन द कार एंड इस पे अपना स्टीयरिंग हैंग कर सकते हो। अब मेन परफॉर्मेंस पार्ट्स आए हैं, तो ये है हमारे पॉलीयूरेथीन के सॉलिड ट्रांसमिशन माउंट्स। अब हमने ऑब्वियसली ऑटोमेटिक से मैनुअल स्वैप कर दिया, तो हमें सॉलिड माउंट्स चाहिए फॉर ड्रिफ्ट कार्स। देखो यूजुअली हमारी गाड़ियों में रबर माउंट्स होते हैं, जिससे कि थोड़ा बहुत फ्लेक्स वगैरह मिलता है, थोड़ी बहुत मतलब फील परफेक्ट नहीं आती, बट इससे भाई हमारी शिफ्टिंग एंड फील शिफ्टिंग की बहुत क्रिस्प हो जाएगी एंड दे आर वेरी लॉन्ग लास्टिंग, तो ये कभी खराब ही नहीं होंगे। उसके अलावा भाई मेन चीज ये है हमारा कूलर वर्क्स का शॉर्ट शिफ्टर। यस गाइज, आई एम पुटिंग अ शॉर्ट शिफ्टर इन माई E90, नहीं तो मैं लगाते इसको एक्सप्लेन करूंगा ही कि शॉर्ट शिफ्टर होता क्या है, बट दिस इज ऑल्सो वेरी गुड एड ऑन एंड इट विल हाईली इम्प्रूव योर कार्स फील फॉर ड्राइविंग। उसके अलावा ये कूलर वर्क्स का माउंट है, ये नो कट माउंट है, तो इसको यूज करके हम अपनी गाड़ी पे ये वाला शॉर्ट शिफ्टर लगा सकते हैं। उसके अलावा भाई ये व्हील स्पेसर्स हैं एंड दीज आर एल्यूमिनियम एंड वेरी लाइट वेट, तो हमारे जो 18 inch के व्हील्स हैं उसको थोड़ा सा और एक अच्छा स्टांस देने के लिए, सो दीज आर रियली गुड एंड रियली यूजफुल। तो भाई जल्दी से जनक भाई अनबॉक्सिंग हो गया, उसको पैक कर दो। लेटर दैट नाइट, तो भाई आ चुके हैं हम अपने गैराज में, और आज थार निकालने का मन था, तो भाई देखो थार कहां फंसी हुई है, मतलब थार निकालने के लिए पहले स्कॉर्पियो हटानी पड़ेगी, गोल्डविंग हटानी पड़ेगी, फिर जाके थार निकलेगी, और लिटरली 2 महीने से नहीं चलाई है। आई डोंट नो, आज ये हमारी जाने मन बुरा मान गई होगी तो स्टार्ट भी नहीं होगी। एक इशू और है भाई, चाबियां इतनी सेम है कि पता ही नहीं चलता, मैंने तो एक निशानी बना रखी है। ये देखो आपको दिखाता हूं, जो ये पुराना वाला महिंद्रा का लोगो है ये हमारी थार का, क्योंकि 2022 शुरू का मॉडल है, और जो ये नया वाला लोगो है ये स्कॉर्पियन में आया था, ये भी 2022 है बट ये थोड़ा सा लेटर मॉडल है और स्कॉर्पियन पे आया ही नया लोगो लग के था। और ये हमारी प्यारी गोल्डविंग की चाबी है, तो ये भी नहीं पता अभी स्टार्ट होगी कि नहीं होगी। इस पे पता नहीं कौन सा लोगो लगा रखा है इन्होंने, गोल्डविंग का ही कोई लोगो लगा रखा है, वैसे होंडा इन्होंने इधर लगा रखा है। सो दिस इज रियली नाइस एंड द बाइक इज, थोड़ा सा वाइड एंगल में लेता हूँ, क्वालिटी हल्की सी ड्रॉप होगी बट प्लीज मैनेज गाइस, पता नहीं भाई स्टार्ट होगी या नहीं होगी। एक बार भगवान का नाम लिखे कर देता हूँ, जय श्री राम। आवाज तो आई है इसका हैंडल अनलॉक होने की, जय श्री राम। भाई जिद्दी है ये बाइक, वो छोड़ दे नया आईफोन, छोड़ दे तेरा ही है। भाई गोल्डविंग की एक खासियत है ये होती है कीलेस, तो इसमें कोई की जरूरत नहीं है एंड ये वन टैप स्टार्ट है। भाई उत्सव उम्मीद थी, मेरे को नहीं थी कि बिल्कुल स्टार्ट होगी नहीं होगी, पता नहीं थार का डर लग रहा है, थार भी होता नहीं चाहिए, डीजल गाड़ी है इसमें तो बैटरी भी थोड़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, देखते हैं अब अच्छे से इसको गर्म होने देंगे थोड़ी देर। तो भाई टाइम टू स्टार्ट द थार, इसमें अनफॉर्चुनेटली कोई कीलेस वीलेस नहीं है, देसी झोटा है हमारा, देखते हैं। जय श्री राम। ओए भाई मशीन्स को प्यार से रखो तो मशीन कभी धोखा नहीं दे सकती, देख लो। नहीं हुई भाई हमारी बैटरी डाउन, नहीं इसने हमें धोखा दिया, ये ठीक है, ये लॉयल महिंद्रा है हमारी, और वो थोड़ी सी डिसलॉयल महिंद्रा है, वो हमेशा धोखा देती रहती है हमें, कभी खड़खड़ कभी फड़फड़ कभी कोई दिक्कत कभी कोई दिक्कत। कोई बात नहीं, दोनों को थोड़ा सा गर्म होने का टाइम देते हैं, फिर निकालेंगे बाहर और फिर चलेंगे निकालेंगे अपनी थार। हमारा प्यारा भाई मिला टीम तकियार से, आपका एक ही सवाल था मेरे से है ना, क्या था, एक बार दोबारा रिपीट करना जरा। अब आप एक बार मेरे लिए बोल दो कि अक्षय भैया प्लीज भैया के इंडेवर जल्दी दे दो, भैया के इंडेवर जल्दी दो अक्षय भाई, देख लो अक्षय भाई तू ही बोल दे भाई, चाहे तेरी सुन ले भाई, कर दो भाई जल्दी कर दो भाई, देख लो अक्षय भैया भाइयों से बुलवाना पड़ रहा है, इंडेवर जल्दी ट्यून करके दे दो यार।
मीटअप करें बढ़िया सा। हम भाई 2 महीने बाद गाड़ी निकाली तो पूरी हवा बैठ गई थी गाड़ी में। और आप लोग सोच रहे हो कि अभी भी हमने सिर्फ 27 पॉइंट डलाई और सारी में लाइट जल रही है, TPMS की भी लाइट जल रही है। तो भाई इस सस्पेंशन सेटअप और इस अलॉय के सेटअप के बाद 27 पॉइंट इसके लिए बहुत है, नहीं तो उससे ऊपर जाएंगे तो बाउंसी चलेगी, उससे नीचे जाएंगे तो अलग तरीके से बिहेव करती है। 27 पॉइंट हमारे इन वाले अलॉय टायर्स के लिए एंड हमारे सस्पेंशन सेटअप के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तो इसलिए 27 डाली। एक ड्रॉबैक है बस, हमेशा ही TPMS की लाइट हमें देखनी पड़ेगी, बट ठीक है भाई इतना मैनेज हो जाता, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। पर वहां हमने मशीन पे 28 करवाई, क्योंकि हमेशा याद रखना भाई मशीन से 1 पॉइंट कम डलती है हमेशा, देखो वहाँ 28 डल रही है हर टायर में और यहाँ 27 डाल रहे हैं, ये चीज है ध्यान में रखना। हो गई अंकल जी, ये लो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। कहीं से एकदम से छपरियों की फौज आई है। ओ भाई कितने छपरियों को देखियो, ओ तेरा भला हो भाई, और आए जा रहे हैं भाई, भाई साहब भाई और है वो देख, और आ रहे हैं। एक अमीर छपरी भी था आगे, किया में से सनरूफ से निकला हुआ था, आधे छपरी इधर चले गए भाई गलत, आधे छपरी उधर चले गए भाई, ये रीले बना रहे हैं इंस्टा के लिए ऐसे वाली बढ़िया। ये 3 रह गए थे भाई, ये लास्ट के 3 जा रहे हैं, ओए 2 और रह गए थे बोरे भाई वो देख। चलो भाई लेट्स गो भाई, अपने बंटू भाई, रचित भाई, मुकुल भाई आ चुके हैं हाइब्रिड पे, फ्री के शेक पीने। नहीं नहीं भाई बड़े क्या पिए भाई, तेरे तो मैं भाई आलू खत्म है ना, आज आलू खत्म है भाई सॉरी, और तू जो बोलेगा वो बस। अरे यार अब भी लास्ट ऑर्डर पंच किया नूडल का यार, कर दिया कहा रखे हैं भाई, बन है नहीं है भाई, मना कर रहे बनी नहीं है वो भाई, इनमें ना एक सेंसर फिट कर दूंगा तुम्हें यहाँ कंप्यूटर पे पहले ही आ जाएगा, ये आ रहे हैं और 3 टाइम कुछ नहीं है। नहीं मजाक करो भाई, के लिए मैंगो चीज शेक बना दे भाई, और क्या है मैंगो चीज केक शेक, ठीक है भाई सही बोला नहीं नहीं भाई बिल नहीं देना, नहीं नहीं डिस्काउंट लगा के नहीं देना, नहीं देना भाई रैंड दे ना, देख भाई भाइयों से पैसे लेने रह गए अपने ही जगह पे भाई, हाथ नहीं लगाऊंगा ऐसे भाइयों के पैसे को, जेब में डाल दे सीधा डाल दे, हाथ नहीं लगाऊंगा भाई। आज अपने दोनों भाई खुश हो गए हमारी हंसी मजाक देख के भाई, ये थोड़ी गाड़ी वाड़ी साफ क्यों नहीं रखते, ये थार बना दिया ब्लैक एडिशन, डार्क एडिशन नहीं आती वो सफारी में, वैसी सी लग रही है थोड़ी डार्क एडिशन भाई। थैंक यू मेरी सुनने के लिए और अपनी थार में कुछ कराने के लिए, अलॉय भी चेंज कर लो जरा, हाँ इन अलॉय ने भाई भाई की गाड़ी खराब कर दी, क्या स्टीयरिंग रैक, भाई स्टीयरिंग रैक क्या गाड़ी का सब सुन लो, महिंद्रा की गाड़ी है और भाई किसी गाड़ी के बदले अलॉय है तो इसको दे दो, फिलहाल बहुत जरूरत है। हाँ भाई ओ सिर्फ किसी गाड़ी का अलॉय टायर नहीं देता मैं, स्टॉक वाले सिर्फ अपनी धार के दे दिया और इसको जरूरत पड़ेगी। कोई ना भाई कोई ना भाई, वैसे सही में यार अगर किसी भाई पे है स्टॉक टायर बने तो दे दो, मुक्कुल का काम चल जाएगा, है तो महिंद्रा के लगेंगे न्यूज के पीसीडी अलग है, बट भाई सुंदर लग रही है, अब अलॉय चेंज करते हैं मुकुल, बाकी ये डार्क एडिशन थार लग रही है बिल्कुल भाई, अब जाएंगे भाई। वैसे एक बार कमेंट सेक्शन बता दो कि कुछ हमारे झोटे पे भी ऐसा कुछ कराया जाए, है सच बताना कौन सी बेटर लग रही है हमारे मुकुल भाई की थार, बॉयकॉट चंडीगढ़ थार या फिर अपना झोटा, देखो झोटा की तो स्पेशल प्लेस है, इधर से दिखेंगे आज, इधर से दिखेंगे दोनों साइड से ही देखियो एक बार डिफरेंस, चलते हुए ऐसे नॉर्मल ये देख, बस यही फर्क है, क्या कहते हैं वो, व्हेन शी सेज डोंट वरी अबाउट माय बेस्ट फ्रेंड, और इतना ही फर्क है। तो भाई ये रही डार्क एडिशन थार और ये रहा अपना झोटा, बहुत प्यारा है भाई, नहीं यार ग्लॉस ब्लैक की एक अलग, जो हमारी गाड़ी रेडी हुई है ना इस पे मैट ब्लैक जाएगा नहीं, जाएगा है ना भाई, तुम डिटेलिंग स्ट्रीट के मालिक हो, ये तुम्हारे भाइयों की थार में ये कैसे हो रहा है, ये कैसे फीका पड़ रहा है, इसको कुछ पॉलिश वॉलिश लगाऊंगा, ये तो कोई हमारे पास भेजता हूँ भाई, इस गाड़ी में बहुत काम है यार, ये देखना स्वेल मार्क्स कितने आ गए पेंट में, भेजेंगे भाई डिटेलिंग स्ट्रीट पर, अभी ले जाइयो मैं तेरे लिए रख लूंगा, तू थोड़े दिन ये चला, नहीं तू रहने दे, ये अलॉय घिस देगा मेरे कहीं पटरी वटरी में मार के, नहीं नहीं वैसे ही ये देखना जो कोई भी लेके जाता है हर कोई प्रसाद छोड़ जाता है इस पे, थोड़ा ये देख किसी और भाई ने भी प्रसाद ही ना छोड़ा होगा भाई, दो हमारे प्यारे भाई मिले हैं, क्या नाम है आपके, अभिषेक, बड़ा डिफरेंट नाम है आपका नाम, रियान, मैं कहा भाई 2 सेकंड व्लॉग कर रहे हैं भाई, बड़ा हट के तो हमें भी ले लो भैया, मैं कहा बिल्कुल भाई, देखो तुम्हारा अपना चैनल है, तुम्हारी अपनी थार है, तुम्हारा अपना भाई है, तुम्हारा अपना कैफे है, और सुनाओ कहाँ गेड़ी मार रहे हो, कुछ कहना चाहोगे टीम पे क्या, कुछ व्लॉग में लाइक करो पहले तो, ओके सब्सक्राइब करो चैनल, भैया नंबर 1 कंटेंट, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू, देखो 1 मिलियन मुश्किल लग रहा है यार, नॉलेजेबल कंटेंट देखने वाले थोड़े कम भाई है ना, जिनको थोड़ा शौक हो ऐसे हवाबाजी देखने वाले बहुत, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि हम क्यों किसी के लिए कोई बोले, हर कोई अपना बढ़िया कर रहा है, बट वैसे कर रहा नॉलेजेबल कंटेंट, ऑडियंस कम है थोड़ी, अगर मैं भी हो अल्लाह हो भाई करने लग जाऊँ तो फिर ऐसे ही हो जाएगा, चलो
टेक केयर भाई, ध्यान रखो छोटे भाइयों। मैं कह रहा हूँ भाई, एक रिक्वेस्ट आई अभी, कपल आए हुए था अभी, जो भी मिलके गए थे, कह रहे भाई आप पंजाबी बोला करो व्लॉग में, कह रहे बहुत सोनी बोलते हो तुसी पंजाबी बोला करो, तो उनके लिए छोटा सा बोल दी जितनी आती है भाई। भाई क्या हुआ उसकी है ये, मैं पहले ही पकड़ लूं भाई। ले भाई चीयर्स, चीयर्स भाई टीम तक यार, छोटा सा मीटअप भी हो गया। अच्छा आप कुछ कह रहे थे भाई, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। चलो नेक्स्ट टाइम भाई भी ये ट्राई करेंगे, आप नेक्स्ट टाइम हेजलनट करना ट्राई। मेरे कहने में जो ट्राई, कॉफी बहुत पीता हूं वैसे, मेरे को सही में बहुत अच्छी लगी भाई। एट जस्ट 9 वी हैड टू कप, मतलब हमें दो ग्लासेस लिए थे हमने नॉर्मल कॉफी के, उसके बाद हम यहां पे आए ना, मैंने कहा पहले चीज केक चेक करता हूं, वन ऑफ द बेस्ट है। चलो थैंक यू भाई, ट्राई करेंगे, पेट में जगह नहीं है तो मैं भी नहीं नहीं, मोस्ट वेलकम भाई। चलो ध्यान रखो डार्लिंग, टेक केयर भाई। क्या नाम है भाई आपका, आप दोनों? कार्तिक आपका भाई, लग भी थोड़ा कार्तिक आर्यन जैसे ही रहा है। थोड़ा घुमा दो यार, फोन में लगा हुआ है, कुछ घुमा दे, इतने दिन बाद तेरा भाई निकला काम से, फ्री हुआ है, कहीं घुमा दो भाई। रात को 11 बजे के बाद ही बिजी होता है, तो फोन पे है, वेटिंग पे। दिखाइए भाई कोई नंबर वंबर दिखा दे भाई, किसको कर रहा है। अच्छा बताओ कौन सी धार में चलना भाई, झोटे में या फिर डार्क एडिशन? झोटे में नहीं बैठो, क्या बात कर रहा है, मसूरी में ये बैठ गया तो इधर है। अच्छा तुझे तो गया ही नहीं था यार, अरे चलो आओ फिर झोटे में घूमेंगे, आ जाओ झोटा निकाले, लेट्स गो, कुछ बढ़िया खा के आते हैं यार, भूख लग रही है, आ जाओ। वैसे भी बॉयकॉट चंडीगढ़ था रही, थंबनेल की तैयारी हो रही है पूरी। बंटू भाई गाड़ी लगा रहे फेस टू फेस, देख लो बीइंग अ यूट्यूबर इज आल्सो नॉट इजी, दोस्तों से काम करवाने पड़ते हैं, भाइयों से काम कराने पड़ते हैं। आ जाओ भैया आप भी हमारे थंबनेल में आ जाओ, तो फिर हम टाइटल क्या डालेंगे कि दो थार और एक स्कॉर्पियो खड़ी है। ओए बंटू मैं क्या कह रहा हूँ, ये थार खड़ी करते, दोनों बीच में भाई की रेडी खड़ी करते थे, और टाइटल डालेंगे दो थार और एक स्कॉर्पियन। भाई देख लियो, लो ना घिसे भाई, नहीं क्रेटा भी क्यों घिसे भाई, कस्टमर की भी हो सकती है, क्यों नुकसान करा रहे किसी का। हाँ भाई थंबनेल है बढ़िया सा भाई। ऐसे थंबनेल से पहले एक कंपैरिजन मैं दिखाना चाहूंगा जरा टीम टक्केयार को, 2 inches लिफ्टेड थार विद स्टॉक थार, फर्क तो है भाई मुकुल, है ना, और कैमरे पे इतना नहीं लग रहा, पर वैसे आंखों को पता चल रहा है, कैमरे पे लग रहा है 19-20 का हो। चले जाओ चले, अब तो हो गया, कोई नहीं, चले जाओ भाई, भी हमारे ड्यूटी से थक के आ रहे होंगे कहीं से, देखा नहीं, ये देखो भाई अब पता चलेगा कंपैरिजन है भाई, फर्क है भाई बहुत, कैमरा पे फिर भी कम लगता है, बोनट देख लो ना, बोनट मिला लो, बोनट में फर्क है, बोनट मिला, बम्पर हमारा चेंज है तो इसलिए पता नहीं चलेगा, बट बोनट मिला लो तो बिल्कुल पता चल रहा है, मेजर डिफरेंस पता लग रहा है। लगाओ ना भाई, थोड़े पैसे खर्चो ना इस पे, क्या कर रहे हो भाई, BMW ले ली, घर ले लिया भाई, कुछ चेन नहीं पहनी क्या? अच्छा ये देखो, ये ना ब्रेसलेट पहन गया है भाई। भाई मैं तेरा मतलब 15 साल पुराना दोस्त, तूने आज एक ये अंगूठी क्या, ये कान का कुंडल भी नहीं दिया भाई, ब्रेसलेट भाई इंस्टाग्राम से मंगाया भाई। मुकुल भाई ये आपकी थार काणी क्यों हुई है भाई? ये बहुत बड़ा राज है। क्या हो गया ये? खोल दो जरा लाइट में आओ फिर बताओ। वालों के पास भेजी थी। हाँ मेरी एक हेडलाइट ही निकाल ली गाड़ी की। भाई को पता वो है? अरे किसी खास भाई की, जैसे हम जाते हैं ना किसी खास भाई की में कम होगा, इसकी निकाल के लगा दी। यही बोले 500 रुपए के चक्कर में भाई ने इसकी, हमने भी बहुत करवाया भाई ये, पर हमारी निकलती नहीं थी, हम निकलवाने वाले होते थे। भाई को पता लगा वास्तव में पिटल काणिया का फैन है, उसने का लाइट ही काणी कर दी। भाई कसम से काणी करके थी भेज दी। चलो कोई ना भाई, आओ चले थार में मारे गेड़ी, लेट्स गो। अच्छा एक बात बता दूं भाई, काम के लिए आ रहे थे ये लोग मेरे पास 9 बजे, ठीक है, अभी देख लो एक बार टाइम देखना सामने क्या हो रहा है, ये देख लो भाई 12:04 हो रहे हैं भाई, 9 बज गए हैं, नए धंधे की लोकेशन देख ली भाई, बिल्कुल लोकेशन फाइनल हो गई नए धंधे की भाई। अबे दिन में टाइम किसके पास है भाई, ले भाई इसके मिसाइल छोड़ दे भाई, वो देखो पीछे वाला तो संभाल ले अपना, पीछे वाले की दीनदयाल की तैयारी करा दी भाई। A few moments later. ये तो अलॉय टायर अभी भी लगे हैं, लड़के आए नहीं भाई काम पे, उनको बोला था चुपचाप निकाल लेना, आए नहीं भाई, ये बच कैसे गई? टीम तक यार सोच रहे हो गए थार में थे, आगे स्कॉर्पियन में, ये क्या हुआ है, ये गुगली हुई है भाई, थार आगे करनी थी तो हमें भाइयों को छोड़ना था तो हमने निकाल दी स्कॉर्पियो एन भाई, डिटेलिंग स्ट्रीट के मालिक को बाय बाय। ओके भाई दोनों हमारे शेर सो चुके थे वैसे, भाई ये कैसे दोस्त है यार, ऐसी गेड़ी में मतलब कौन से दोस्त सो जाते हैं, एक बार तेरी आंखें दिखाऊं। चलो भाई ध्यान रखो भाई,
ओके भाई, ओके रचित, बाय 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 बाय। चलो भाई अब कैब सर्विस शुरू है। दो सवारियां तो हमारी अपनी गाड़ी पे थी, अब एक सवारी को हमें छोड़ने जाना पड़ेगा। बट कोई बात नहीं, आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा भाई। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और हमारे बंटू भाई के लिए एक बढ़िया सा कोई कमेंट कर देना। बहुत हंसी मजाके वाला भाई हमारा। चलो टीम द कैब, सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय 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 बोल दे भाई। बाय सभी भाइयों को।